हवा हवाई में गांडे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? हवा हवाई मतलब आप अगर विपक्षों के पास में एक्चुअली मुद्दा नहीं है, अगर आप मुझे देखेंगे कि 4 महीने में ऐसी सौगात दी है, अगर मैं अगर कोई काम बुनियादी तौर पे अगर कर सकता है, मजबूत तौर पे कर सकता है, आप सोचिए कि अगर आप इसको ये समझ सकते हैं कि ट्रेलर अगर ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो जब ट्रेलर हिट है तो फिल्म तो और जबरदस्त हिट होगी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और हर्षभुवन में और इसके बाद भी हमारे हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा उस कार्यक्रम के लिए, और आप मैं बताना चाहूंगी कांटे की जनता को कि आपके लिए जिस नफरता के साथ में मैंने ये 4 से 5 महीने काम किया है और इसका सीधा जो बोल सकते हैं कि लाभ हमारी कांटे की जनता को मिला है, मेरी कम समय में किए गए कार्यों के दम पे मैं आज अपनी आप सभी के समक्ष में आई हूँ। बस मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि जो प्यार आपने मुझे चुनाव में दिया था और मुझे एक मौका दिया था आपकी सेवा करने का, ये 4 से 5 महीने में मैंने जी तोड़ मेहनत करके गांडे की तस्वीर को बदलने का एक कदम उठाया, सरसों का जाल बिछाने का, पुतलियाँ बनवाने का, और खास करके मैं मेरी बहनों के लिए जो पिछली बार में चुनावी मेरा नाम का नामांकन हुआ था उसमें चुनावी सभा में मैंने कहा था कि मेरी बहनों के लिए एक मैं महिला डिग्री कॉलेज करवाना चाहती हूँ जिसका शिलान्यास भी हो गया है। आप समझ सकते हैं कि गांडे का विकास अपनी राह पकड़ चुका है और मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे, और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडे की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जीतोड़ प्रयास रहेगा। और आने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हैं जैसे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो अभी फिलहाल तो गिरिडीह में है, मैं अपने गांडे में भी जरूर उनको लाने का काम करूंगी। और स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुलवाने हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गांडे में आए, और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और अपने यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि जब मेगा लिफ्ट आएगा तो सिंचाई की परियोजना रहेगी, हमारे किसान इससे पूरा सीधा तौर पर लाभान्वित होंगे और उनकी फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के कार्यक्रम है तो उसको अलग अलग हम लोग जगह में बनाने का काम करेंगे, हॉस्पिटल्स में काम करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा में हम लोगों को दूर दराज गाँव में भी जो है कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम सुदूरवर्ती इलाकों में कैसे हॉस्पिटल्स को पहुंचा सके इस पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम करेंगे और आवागमन की सुविधाएं जो एक बुनियादी जरूरत होती है हर किसी व्यक्ति की उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो ऑफिस की अभी शुरुआत हुई है और इसके बाद आगे के कार्यक्रम भी है, बस आपकी तरफ से आपके माध्यम से मैं गांडे की जनता को बस अपना नमस्कार।